हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। नाइट से सिक्स ओपनिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मेरा तीसरा पार्ट है एन सी सिक्स अगेंस्ट ई फोर। दोस्तों, सभी वेरिएशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वन बाय वन पूरी ओपनिंग के सारे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे। ई फोर एन सी सिक्स, देन डी फोर वाइट प्लेस एंड ई फाइव, दिस इज अवर सेकंड मूव। डी टेक्स ई फाइव यहाँ पे हम देख रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो पार्ट वन है उसमें मैंने बताया था कि डी फाइव, और सेकंड पार्ट में हमने देखा डी टेक्स ई फाइव, थर्ड पार्ट में डी टेक्स ई फाइव, नाइट टेक्स ई फाइव, नाइट एफ थ्री, क्वीन टू एफ सिक्स, और इसके बाद हमने देखा था कि बिशप ई टू नाइट को सपोर्ट करता है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा चेंजिंग, वाइट अगर नाइट एफ टेक्स ई फाइव कर ले तब क्या खेलना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, नाइट ई फाइव आपको खेलना है, क्वीन टेक्स ई फाइव, ये ऑब्वियस नेचुरल मूव है, पीस के सामने पीस लेना जरूरी है। यहां पे व्हाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, ई फोर पॉन को प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा ऑप्शन जो है ये है बिशप टू डी थ्री, ये दो मेन वेरिएशन है। यहां पे हम देखेंगे आगे नाइट सी थ्री, नाइट सी थ्री में आपको रिप्लाई देना है बिशप बी फोर, पिनिंग करो नाइट को। अब यहां से नेक्स्ट थ्रेट है बिशप टेक्स, पॉन टेक्स एंड क्वीन सी थ्री चेक। तो यहाँ पे फोर्स ऑप्शन जो है वो है बिशप डी टू, अनपिन कर रहा है। उसके बाद आपको सिंपल नाइट डेवलप करना है, नाइट एफ सिक्स। अब फिर से यही थ्रेट है बिशप टेक्स देन क्वीन टेक्स। तो यहाँ पे वाइट खेलेगा बिशप डी थ्री, पॉन को प्रोटेक्शन बढ़ाएगा। बिशप डी थ्री के बाद यहां आप d6 भी खेल सकते हो दोस्तों, सिंपल। लेकिन मेरे हिसाब से इस पोजीशन में कैसलिंग बहुत ही अच्छा है। कैसलिंग के बाद सपोज हम d6 भी कर सकते हैं दोस्तों, तो चलिए d6 करते हैं, लेट व्हाइट टू कैसल। तो यहां पे व्हाइट कैसलिंग करेगा, कैसलिंग के बाद यहां पे आपको बिशप टू जी फोर अटैक द क्वीन। अब एफ थ्री ये एक नॉर्मल मूव है, बिशप पे अटैक होता है और अनपिन जो अटैक है क्वीन पे वो टल जाता है। यहां आपको देना है बिशप सी फाइव चेक। बी सी फाइव चेक के बाद किंग के पास ओनली ऑप्शन है एच वन, उसके बाद एक बार बिशप डी सेवन। व्हाइट खेलेगा एफ फोर, ज्यादातर गेम में जब किंग एच वन होता है तो व्हाइट ट्राई करता है आपके किंग साइड अटैक करने का। एफ फोर के रिप्लाई में सिंपल आपको क्वीन ई सेवन खेलना है, व्हाइट क्वीन एफ थ्री। अब आपको लगेगा ये पोजीशन व्हाइट के लिए बेटर है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग कैसल ब्लैक विल बी सेफ इन दिस गेम। व्हाइट ट्राई करेगा बिशप ई थ्री आपके इस साइड अटैक लाने के लिए, सिंपल बिशप कैप्चर कर लो, क्वीन टेक्स ई थ्री कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ इक्वल गेम है। आप नेक्स्ट मूव में किंग बी एट करके इसे सपोर्ट कर दो और ये गेम काफी मजेदार होने वाली है ब्लैक की ओर से, क्योंकि एफ फाइव आप तुरंत यहाँ से एस सिक्स जी फाइव अटैक कर सकते हो, और ये रुक की एच फाइव ओपन करने के बाद बहुत सारा अटैक आपके पास आएगा। आपके पास नाइट जी फोर वाले भी बेस्ट मूव है, बहुत सारी अच्छे अच्छे मूव आप इसमें से ढूंढ निकाल सकते हो दोस्तों। फिफ्थ मूव में बिशप डी थ्री चेक कर लेते हैं हम। बिशप डी थ्री अगर व्हाइट खेले तो क्या रिप्लाई होगा आपका। यहाँ पे जैसे नाइट एन सी थ्री के बदले अगर व्हाइट ने बिशप डी थ्री से सपोर्ट किया पॉन को, तो यहां सिंपल बिशप टू बी फोर चेक। अब
C3 ये एक नेचुरल मूव है, क्योंकि नाइट C3 पॉसिबल नहीं है, बिशप टेक्स नाइट होता है। तो C3 के बारे में हम देखेंगे, बिशप C5, अब इस पोजीशन में आपका बिशप F2 पे अटैक करेगा, कैसलिंग। यहां पे देखो दोस्तों B4 पॉसिबल नहीं है, आप ध्यान रखना B4 ब्लंडर मूव है आफ्टर बिशप टेक्स पॉन, और सिंपल पॉन टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स A1 होता है, तो काउंटर अटैक व्हाइट के पास नहीं है। तो यहां पे व्हाइट क्या करेगा, शॉर्ट कैसल, कैसलिंग के बाद सिंपल नाइट F6 E4 को अटैक देना है। व्हाइट खेलेगा किंग H1। अब देखो यहां पे मोस्टली व्हाइट किंग H1 क्यों खेलता है, आइडिया है उसका F4 अटैक करने का। यहां पे D6 आफ्टर F4 क्वीन E7 नाइट D2 डेवलप करेगा नाइट, सिंपल शॉर्ट कैसल कर लेना है इस पोजीशन में। इफ व्हाइट मूव्स द क्वीन टू F3 बिशप D7 B4 बिशप B6 A4 ये सारे नेचुरल मूव है और A5 की थ्रेट है, यहां हमें ही A5 कर देना है। और इसी पोजीशन में व्हाइट मोस्टली ब्लॉक कर देगा गेम B5 करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाइट G4 व्हाइट ट्राई करेगा आपके इस बिशप को अटैक करने के लिए, लेकिन इस पोजीशन में सिंपल ये एक ट्रैप है ब्लैक की ओर से। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोच के बताइए। ओके लेट मी एक्सप्लेन, नाइट टेक्स H2, अब फॉर्क आ रहा है, इफ किंग टेक्स H2 देन क्वीन H4, और किंग के पास G1 के लिए जगह नहीं है, फोर्सफुली क्वीन इंटरपोज होगा और बिशप टेक्स क्वीन, और अब आप सिंपल गेम विनिंग है, क्वीन मिल जाती है आपको आसानी से। फिर से देख लेते हैं ये पोजीशन आई कैसे, सब नेचुरल मूव है दोस्तों, ज्यादातर व्हाइट प्लेयर ऐसा खेलते हैं। E5 यहाँ पे D5 दिखाया था मैंने, और आज हम देखते हैं ये नाइट टेक्स E5 देन नाइट F3 क्वीन F6, और यहाँ हमने बिशप E2 देखा था, लेकिन इफ नाइट टेक्स E5 आज के वीडियो में ये है क्वीन E5 नाइट C3 वाला वेरिएशन हमने देख लिया। ये जो मैंने ट्रैप बताई वो बिशप D3 वाले वेरिएशन में है, यहाँ आपको खेलना है चेक C3 देन बिशप C5 B4 ब्लंडर है, तो यहाँ पे वाइट खेलेगा शॉर्ट कैसल, बिशप यहाँ नाइट F6 किंग H1 यहाँ F4 का प्लानिंग है, D6 F4 क्वीन E7 देन नाइट D2 और कैसल, क्वीन F3 मोस्टली नेचुरल मूव है, अटैक आपके किंग साइड करना है तो क्वीन F3 तो जरूरी है, बिशप D7 B4 और A5, यहाँ पे आपको एक बार अगर गेम लॉक हो गई नाइट G4, अब देखो कोई प्रॉब्लम वाला मूव नहीं है नाइट G4, नाइट G4 में आपको लगेगा कि अगर वो अपोनेंट यहाँ पे जैसे कि ब्लंडर नहीं करता है, उसे दिख जाता है नाइट C4 नहीं करेगा और उसे ये वाली मूव दिख जाती है नाइट सैक्रिफाइस वाली, तो यहाँ पे अगर उसने H3 कर दिया नाइट C4 के बदले तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके पास नाइट के लिए मूव है, नाइट E3 जा सकते हो रुक पे अटैक, नाइट F6 वापस आ सकते हो, नाइट H6 भी जा सकते हो, सभी मूव आपके लिए बेस्ट ही रहेगी। और दूसरी बात, अगर आपने नाइट को वापस नहीं लेना है तो आप यहाँ पे क्वीन H4 भी खेल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉन पिंड है, और क्वीन H4 के बाद आपके पास नाइट F2 वाला चेक भी रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये गेम में नाइट H2 के बाद हो सकता है यहाँ पे व्हाइट रिप्लाई दे कि काउंटर अटैक में इस पोजीशन में अगर हमने क्वीन खेल दिया, व्हाइट ने यहाँ पे रिप्लाई दिया जैसे कि नाइट C4
उसके बाद नाइट फॉर्क। अगर रुक टेक्स तो आपको सिंपल रुक मिलता है, और किंग जी वन में डिस्कवर्ड अटैक आता है, नाइट डबल अटैक डबल चेक। तो किंग एच टू में भी आप अपना नाइट टेक्स बिशप करके गेम कंटिन्यू कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया गेम रहेगी ये। उसका स्ट्रॉन्ग बिशप भी आपको मिल जाएगा इस पोजीशन में। तो दोस्तों ये वाली ओपनिंग जरूर ट्राई कीजिए, नाइट सी सिक्स ई फोर अगेंस्ट नाइट सी सिक्स। सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे, इसके सामने वाइट के पास ज्यादातर रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि प्रिपेयर बहुत ही कम लोग ऐसी लाइन प्रिपेयर करते हैं अगेंस्ट ई फोर नाइट सी सिक्स। दोस्तों और भी बहुत सारे वेरिएशन दिखाने बाकी है, अगले वीडियो में मैं और भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वन बाय वन सारे वेरिएशन आपको मिल जाए। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।